नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल दीवा एक शक्ति में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि ईसा मसीह यानी कि जीजस और हनुमान जी के बीच में क्या संबंध था। जी हाँ, महावीर हनुमान जी के जन्म की कथा जिस प्रकार से अद्भुत और दिव्य है, उसी प्रकार से ईसा मसीह के जन्म की कथा भी अद्भुत और दिव्य और रहस्यमय है। दोनों ही ईश्वरीय सत्ता के महान स्वरूप के रूप में पूजित होते हैं। महावीर हनुमान जी के जन्म की कथा जहां प्रमाणिक रूप से वाल्मीकि रामायण में मिलती है, वहीं ईसा मसीह या फिर जीजस क्राइस्ट के जन्म की कथा पवित्र बाइबल और पवित्र कुरान शरीफ दोनों में ही थोड़े थोड़े अंतर के साथ मिलती है। जीजस और हनुमान जी के जन्म की कथा, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जहां महावीर हनुमान जी के जन्म ईसा मसीह के जन्म के हजारों साल पहले हुआ था, वहीं इन दोनों के जन्म की कथाओं में आश्चर्यजनक समानताएं भी नज़र आती हैं। जीजस और हनुमान जी दोनों ही ईश्वरीय सत्ता के पुत्र हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जहाँ महावीर हनुमान जी की पवन पुत्र हैं, वहीं ईसा मसीह को पवित्र बाइबल के मुताबिक परमेश्वर का पुत्र माना जाता है। हनुमान जी की माँ एक अप्सरा थी। जी हाँ, वाल्मीकि रामायण की कथा के अनुसार महावीर हनुमान जी की माता अंजना पहले स्वर्ग में पुंजक स्थली नामक अप्सरा थी, जिन्हें एक शाप की वजह से धरती पर एक वानरी के रूप में जन्म लेना पड़ा है, जो कभी भी अपना रूप एक इंसान की तरह कर सकती थी। जामवंत जी जहां हनुमान जी से उनकी माता अंजना के विषय में बताते हुए कह रहे हैं कि उनकी माता अंजना स्वर्ग की श्रेष्ठ अप्सरा पुंजिक स्थला थी और वानर राज केसरी की पत्नी है। पुंजिक स्थला जो तीनों लोगों में अपनी सुंदरता के लिए विख्यात थी, उन्हें एक शाप की वजह से पृथ्वी पर एक वानरी के रूप में जन्म लेना पड़ा, जो कि कभी भी अपना रूप बदल सकती थी। हनुमान जी की माँ को पवन देव का वरदान। जी हाँ, इसके बाद वाल्मीकि जी माता अंजना का परिचय देने के बाद अचानक उनके पिता और उनके मायके की तरफ चल पड़ते हैं और उनके बारे में विस्तार से कथा कहते हैं। जामवंत कहते हैं कि हे हनुमान, अंजना कुंजर नामक वानर राज की पुत्री के रूप में जन्म लेती है। एक बार जब वो गहने और जेवर और सुंदर मालाएं पहनकर एक पर्वत की चोटी की तरफ जा रही थी, तब अचानक उनके वस्त्रों को पवन ने उड़ा दिया और पवन उनके आंतरिक अंगों में प्रवेश कर गए। पवन के इस प्रकार उनके आंतरिक अंगों में प्रवेश करने पर अंजना ने पूछा कि कौन वो अदृश्य शक्ति है जो उनके एक पत्री व्रत होने की इच्छा को तोड़ रहा है। और पर पवन देव ने कहा कि मेरा आपका अपमान नहीं किया है, मैं सभी में प्रवेश करने वाला पवन देव हूँ। मैंने आपके अंदर दैविक रूप में प्रवेश किया है, जिससे आपको एक महान और तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। हनुमान जी का जन्म एक गुफा में हुआ है। जी हाँ, हे हनुमान, पवन देव के ऐसा कहने पर आपकी माता को संतोष हुआ और इसके बाद आपको आपकी माँ ने एक गुफा में पाया। यहाँ प्रजग शब्द के गहरे अर्थ हैं। प्रजग और प्रजनन में अंतर होता है। प्रजग का अर्थ होता है पाया जाना, यानी हनुमान जी का जन्म नहीं हुआ था, वो पाए गए थे या प्रकट हुए थे या फिर दैविक रूप से उनका आगमन हुआ था। हनुमान जी की तरह ईसा मसीह यानी कि जीजस भी चिरंजीवी हैं। महावीर हनुमान जी के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो चिरंजीवी हैं। पवित्र कुरान शरीफ के अनुसार ईसा उल इस्लाम या फिर ईसा मसीह को भी सलीब पर चढ़ाने से पहले ही अल्लाह ने उठा लिया था। ईसा मसीह के बारे में कहा जाता है कि वो कायमत के रोज वापस आएंगे। इसका अर्थ है ये भी हो सकता है कि ईसा मसीह भी चिरंजीवी हैं। ईसा मसीह और हनुमान जी के जन्म में समानताएं बहुत हैं। अब आपसे
अब वापस आते हैं ईसा मसीह के जन्म की दैविक कथा के। जी हाँ, ये कथा कई मायनों में कैसे महावीर हनुमान जी के दैविक जन्म की कथा से मिलती है, यह देखकर आश्चर्य होता है। पवित्र बाइबल के सुसमाचार खुला 1.28 से 1.55 के बीच जो कथा दी गई है उसके मुताबिक मरियम की मंगनी यूसुफ से हो गई थी, लेकिन उनके विवाह के पूर्व ही जिब्राइल नामक फरिश्ता मरियम के पास आता है। मरियम उस फरिश्ते को देखकर घबरा जाती है। इसके बाद फरिश्ता कहता है कि डरो मत, मुझे तुम्हारे पास परमेश्वर ने भेजा है। फरिश्ता कहता है कि देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र होगा जिसका नाम तू यीशु रखेगी। मरियम ने उस दूत से कहा कि मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं, अर्थात मैंने किसी पुरुष का स्पर्श कभी किया ही नहीं। स्वर्ग दूत ने कहा कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की शक्ति तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह जो पवित्र उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाया जाएगा। पवित्र कुरान शरीफ में ईसा मसीह के जन्म की कथा। पवित्र कुरान शरीफ में भी ईसा मसीह के जन्म की दिव्य कथा है। पवित्र कुरान शरीफ में ईसा मसीह को इब ए मरियम कहा गया है। जी हाँ, पवित्र कुरान शरीफ में उन्हें परमेश्वर का पुत्र नहीं बताया गया है, लेकिन उनका सम्मान एक महान नबी के रूप में जरूर किया गया है। और पवित्र कुरान में भी ईसा मसीह के जन्म की कहानी को दिव्य तरीके से दिखाया गया है। पवित्र कुरान शरीफ में एक पूरा अध्याय ही मदर मेरी या फिर मरियम के नाम पर है, जिसे सूरह मरियम भी कहा जाता है। इस अध्याय में ईसा मसीह के दिव्य जन्म की कहानी दी गई है। सूरह मरियम में दी गई कथा के मुताबिक अल्लाह ने मरियम के पास अपनी रूह भेजी जो एक फरिश्ते में बदल गई। मरियम ने उस फरिश्ते को देखकर कहा कि वो उसे अल्लाह की शरण मांगती है। फरिश्ते ने कहा उसे अल्लाह ने ही मरियम के पास भेजा है ताकि वो उसे एक बच्चा दे सके। यहाँ मरियम कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है जब उन्होंने आज तक किसी पुरुष का स्पर्श किया ही नहीं। मरियम के इस सवाल पर फरिश्ते ने कहा कि अल्लाह के लिए ऐसा करना सरल है। इसके बाद मरियम गर्भवती हो जाती है। पवित्र कुरान शरीफ के अनुसार अल्लाह मरियम को संतान देते हैं, लेकिन वो उनके पिता नहीं हैं और ना ही ईसा मसीह अल्लाह के पुत्र हैं। जबकि बाइबल में ईसा मसीह को परमेश्वर का पुत्र कहा गया है और ईसा मसीह परमेश्वर को पिता कहकर बुलाते हैं। पवित्र कुरान शरीफ और बाइबल की कथाओं में अंतर है। पवित्र बाइबल की कथा के मुताबिक मरियम और यूसुफ की सगाई हो चुकी है और इसके बाद मरियम दिव्य शक्ति के द्वारा गर्भवती की जाती है। पवित्र कुरान शरीफ में यूसुफ का कोई जिक्र नहीं है। मरियम अल्लाह की शक्ति के द्वारा गर्भवती की जाती है और वो कुंवारी माँ ही बनती है। बाइबल के मुताबिक यूसुफ को पता है कि शिशु परमेश्वर के द्वारा भेजा जाने वाला है और इसलिए वो उन्हें अपमान यानी कि अपनाता है। लेकिन पवित्र कुरान शरीफ के मुताबिक यीशु को अपने जन्म के बाद खुद ही अपनी दिव्यता के बारे में बताना पड़ता है और अपनी माँ पर लगे कुंवारी माँ के कलंक को दूर करना पड़ता है। माता अंजना और मदर मरियम का दिव्य शक्ति से गर्भधारण। जी हाँ, अब महावीर हनुमान जी की माँ और मरियम की कथा की तुलना करें तो दोनों ही दिव्य और अदृश्य शक्तियों द्वारा गर्भवती की जाती है। बाइबल के मुताबिक मरियम के गर्भवती होने से यूसुफ का कोई लेना देना नहीं था और सगाई के बाद परमेश्वर अपनी शक्ति से मरियम को गर्भवती करते हैं। वाल्मीकि जी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि पवन देव के द्वारा जिन वक्त माता अंजना को पुत्र प्राप्ति का वरदान मिला था उस वक्त माता अंजना का विवाह हुआ था या नहीं। वाल्मीकि ने यह भी स्पष्ट नहीं लिखा है कि क्या विवाह के बाद माता अंजना को पुत्र के रूप में हनुमान जी की प्राप्ति हुई थी, लेकिन माता अंजना के आंतरिक अंगों में ठीक उसी प्रकार पवन देव प्रविष्ट करते हैं जैसे मरियम के अंदर रूह को भेजा जाता है और ईश्वर उस पर अपनी छाया कर देते हैं।
तीसरी बात, महावीर हनुमान जी एक गुफा में पाए जाते हैं, यानी उनका जन्म वाल्मीकि के मुताबिक आम तौर पर प्रसव के द्वारा नहीं हुआ, बल्कि वो दिव्य रूप से एक गुफा में पाए गए। मरियम गर्भवती होती हैं, लेकिन शिशु का जन्म भी एकांत स्थान पर वहाँ होता है जहाँ मरियम के अलावा और कोई नहीं होता है। सारांश यही निकलता है कि वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के जन्म की कथा जिस प्रकार से दैविक और दिव्य है तथा रहस्यात्मक है, उसी प्रकार बाइबल में दी गई यीशु मसीह के जन्म की कथा भी ठीक उसी प्रकार रहस्यमय है। माता अंजना और मदर मैरी दोनों ही एक अदृश्य शक्ति के द्वारा गर्भ धारण करती हैं। दोनों के ही पुत्रों का जन्म प्रसव पीड़ा से हुआ या नहीं, ये रहस्य है। और दोनों के ही जगत पिता यूसुफ और केसरी वास्तव में यीशु और हनुमान जी के जैविक पिता नहीं हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये आज का कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल दीवा एक शक्ति को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।